आर्य धर्म का पतन काल और उसके चार सर्ग। एक, लूट मार सर्ग। दो, धर्म परिवर्तन सर्ग। तीन, दास्ता सर्ग। चार, विस्मरण सर्ग। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। भारत की समृद्धि को सका न देख जहान, लुटेरे आने लग गए लूटन को सामान। आर्य धर्म के पतन का आया काल जो मान, अलग अलग थे राज्य सब रोक सके न आन। चार सर्ग हैं जान लो पतन काल के मीत, लूट मार का एक है तीन और लोचीत। धर्म परिवर्तन दूसरा, तीजा दासता मीत, विस्मरण सर्ग बाद इस, यही चार लोचीत। पतन काल का प्रथम सर्ग, लूट मार। आर्य बने हिंदू। प्रथम सर्ग का अब यहां प्रथम करें बखान, लुटेरों ने तब आया उठाया सर आसमान। उत्तर पश्चिम से बहुत लगे लुटेरे आन, हिंदू कुश को पार कर आए हिंदुस्तान। हिंदू कहने लग गए आर्यों को वे मीत, मुसलमान लुटेरे जन धन के भूखे चीत। आर्य जन प्रसिद्ध भये हिंदू तब से मीत, सदियों के अभ्यास से नाम प्रचलित चीत। पांच सदी तक था चला लूट मार का वेल, उसका वर्णन अब करें जो भयंकर खेल। लुटेरे 20 बार तब आए हिंदुस्तान, क्रमशः उनको जान लें कि ना जो नुकसान। लुटेरा प्रथम बार जो आया हिंदुस्तान, मुहम्मद कासिम नाम था सिंध लूटा उस जान। सुबकत दीन आ गया बार दूसरी जान, लूट लिया लाहौर उस आकर हिंदुस्तान। महमूद गजनबी
आया बार बार लो जान घोर मचाई लूट उस आकर हिंदुस्तान आया सत्रह बार वह लूटा बहु उस माल कत्ल आम भी करत वह देश का बिगड़ा हाल मंदिर सोमनाथ का मथुरा के भी जान लूट लिए थे सब उस आकर हिंदुस्तान अंतिम बार था आ गया मोहम्मद गौरी मीत अंतिम बार उस आय कर लीना भारत जीत भारत किस तरह हो गया इस्लाम के अधीन इसका भी रहस्य लो इस ग्रंथ से चीन हिंदुओं का इतिहास है सदैव काल से मीत भाई भाई का प्रेम ना करें शत्रु से प्रीत जय चंद की शत्रुता पृथ्वीराज से जान मुहम्मद गौरी को उस बुलाया हिंदुस्तान मदद की नी शत्रु की अपने भाई विरुद्ध शत्रु को उस जिता दिया थाने सर के युद्ध मोहम्मद गौरी नाम उड़ा पीछे को फिर जान आगे ही वह बढ़ चला हथियाया हिंदुस्तान इस पतन के काल में हिंदू बहु परेशान रक्षक स्वयं अरक्षित सन्मुख मुसलमान प्रथम सर्ग यह पतन का कर दें यही समाप्त देखें अगले सर्ग में और पतन साक्षात दयनीय दशा थी तब हिंदुन की उस काल भय में रहते सब जन लुट जाए ना माल घर घर जाकर लूटते और करत संहार हिंदू भय से भीत थे उस पतन के काल हिंदुन की थी जो दशा भूल गए इंसान प्रतिशोध की आग तो पूर्ण बुझी है जान आर्य धर्म का पतन काल चार सर्गों में विभक्त है एक लूट मार का सर्ग 711 एडी से 1200 एडी तक धर्म परिवर्तन सर्ग 1200 एडी से 1700 एडी तक दास्ता सर्ग
1700 एडी से 1947 तक, विस्मरण सर्ग 1947 से आगे। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 एडी में सिंध में लूटमार की। सुबकत दीन ने 970 एडी में लाहौर आदि कई स्थान लूटे। महमूद गजनबी ने 997 से 1030 तक आकर 17 बार लूटमार की तथा सोमनाथ और मथुरा के मंदिर भी लूटे। मोहम्मद गौरी ने 1174 से 1194 तक इस देश को जी भरकर लूटा और भारत के बहुत भाग का शासक भी बन गया। त्रावड़ी की लड़ाई 1191 में और थानेसर की लड़ाई 1193 में इसने पृथ्वीराज और जयचंद दोनों को समाप्त कर दिया। इति लूटमार सर्ग। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरु देव जी की जय। शरणम पतन काल का दूसरा सर्ग, धर्म परिवर्तन सर्ग, 1200 से 1700 एडी तक। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। दूसरे सर्ग में हुए बखान, हिंदू किमी भय मुसलमान। हिंदुस्तान इस्लामाधीन, आया यहाँ इस्लाम लोचीन। पांच सदी तक हिंदू थे इस्लाम अधीन। मुस्लिम के छे वंश थे, क्रमशः राज जिनकीन। उन वंशों के नाम जो वे भी ले वे जान। कीना अत्याचार जिन आकर हिंदुस्तान। गुलामों का एक वंश था, खिलजी दूजा जान। तीजा तुगलक वंश था, सदात चौथा मान। लोधिन का था पांचवां, मुगल आए सब बाद। कीना हिंदू धर्म को बिल्कुल ही बर्बाद। जो जुलम इस्लाम ने आकी ने इस देश। जन देश के भूल गए, स्मरण नहीं है लेश। हिंदुन की थी जो दशा, भूल गए इंसान। प्रतिशोध की आग तो पूर्ण बुझी है जान। अपने ही इतिहास से अनभिज्ञ जो देश। मुसीबत पर मुसीबत पड़ती उसके पेश। हिंदुओं ऊपर अत्याचार, वह तो वर्णन से भी पार। जजिया हिंदुओं पर लगाया,
मंदिर मूर्तिन को तोड़वाया। ब्राह्मणों का था कीन अपमान, गोहत्या होती सभी स्थान। इस्लामी नियम से चलता काम, न्याय का था लेश नहीं नाम। जबरन मुसलमान बनाते, जो ना बनते मारे जाते। अनेकों ही मुस्लिम बन पाए, अनेकों ही थे मार मुकाए। हिंदू धर्म विरुद्ध जो कर्म भये उस काल, उनसे ही हम समझ सकें हिंदुओं का तब हाल। हिंदुओं ऊपर टैक्स था, जजिया था अभिधान। करोड़ों ही तब बन गए हिंदू मुसलमान। गली गली में होत थी गोहत्या उस काल। गौ माता का हाल यह, हो जन देख बेहाल। फोड़ी देव मूर्तियां, मंदिर भये मसीत। हिंदुन ऊपर जो बनी, लेवे मन में चीत। हिंदुन के विद्यालय जला दिए तत्काल। वहीं मकतब बन गए, यह देश का हाल। स्त्रियों का अपहरण हो, आम थी वह बात। रब्बी काम यह मानते मुसलमान साक्षात। हिंदुन से बेगार ले, बनाते निज मजार। हिंदू इस अन्याय पर रोवे जारो जार। संस्कृत भाषा लुप्त भई, फारसी का था राज। शाही भाषा फारसी, होत सब उसमें काज। कब्रों से था भर गया सारा हिंदुस्तान। लगता था है हो गया भारत कब्रस्तान। लूट मारवा युद्ध का था सर्वत्र दौर। पावन धरती देश की, शांत किसी ना ठौर। पांच सदी इमी भई व्यतीत, धर्म परिवर्तन जिसमें रीत। हिंदू कुछ ही थे रह पाए, जबरन मुस्लिम सभी बनाए। धर्म परिवर्तन सर्ग की, इति श्री हो पाई। सर्ग अगले को देखें, जब गुलामी आई। इति धर्म परिवर्तन सर्ग। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरु देव जी की जय। शरणम।
पतन काल का तीसरा सर्ग दास्ता सर्ग 1700 से 1947 एडी तक। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। 500 सदी मुसलमान के हिंदू रहे अधीन, बाद उसके थी आ गई जाति एक नवीन। अंग्रेज इंग्लिस्तान से बन व्यापारी आए, सकल देश के ऊपर धीरे धीरे छाए। जीता सारा हिंदुस्तान, बनाए गिरजे स्थान स्थान। हिंदू धर्म मिटाना चाहे, धर्म ईसाई लाना चाहे, हिंदू को गुलाम कर जाने, उसे अछूत सम वे माने। हिंदुओं पास ना रहे वे लोग, हिंदू बस्ती ना उनके योग। करते हिंदुओं का अपमान, नौकरी में देना उच्च स्थान। हिंदुन पर अत्याचार महान, जलियां वाला है प्रमाण। हिंदुस्तान में धन जो भरा, बटोर ले गए वे सारा। महाराजा इंदौर को ऐसी दीन सजाए, राज्य उसका छीन कर लीन अधिकार जमाए। हिंदुओं के जो शास्त्र था उनका अपमान, गडरियों के गीत कहें वेद आदि लो जान। गुलामी का यह काल था कि ना सबन गुलाम, शिक्षा देते हर तरह जन जिमे रहे गुलाम। पत्र जन को यदि लिखे, लिखे अंत जरूर, श्रीमन मेरी बेनती, रहूं तव दास हजूर। श्रीमन आपसे यह अरदास, आज्ञाकारी रहूं मैं दास। बादशाह का लंदन में वास, वायसराय आता भारत खास। वह था शासन यहाँ चलाता, दासता का था पाठ पढ़ाता। राजा हो या रंक हो मीत, कहे सम्राट की जय सप्रीत। अंग्रेजों की विशेष यह चाल, गरीब जन जब हुए बेहाल। अंग्रेजों के वे रहे अधीन, गुलामों जैसे बन कर दीन। सभी रूप देश कीन कंगाल, भय जनता का बुरा ही हाल।
ऐसा दृश्य देखा उस काल, जूठे पत्ते चाटे बाल, सड़कों ऊपर सोते लोग, छत भी थी ना उनके योग, रबड़ जलाकर काटे रात, देखते कब फिर होए प्रात। उस काल हिंदुओं का हाल, सेवक निरख था होत बेहाल, दासता का यह दृश्य घिनौना, स्मरण कर अब भी आता रोना। एक चाल हम और बताएं, उसी काल की अब सुनाएं, कुत्तों को यदि चाहो लड़ाना, टुकड़ा फेंक कर देखत जाना। अंग्रेजों ने भी दास लड़ाए, बंटवारा उनमें थे कर पाए, हिंदू मुस्लिम में भया फसाद, हिंदू हो गए तब बर्बाद, बंटवारा देश का कर पाए, लाखों हिंदू काम में आए, उजड़े परिवारों के परिवार, अनाथ बच्चों की थी भरमार। दृश्य घिनौना ऐसा देखा, बिखरे मुर्दों को तब पेखा, दासता सर्ग का वर्णा हाल, हिंदू भय जिस काल बेहाल, हिंदू की थी जो दशा, हो गई उस काल, वह तो एक इतिहास है, घोर पतन का काल। आर्य जाति के वंशज जिनका हिंदू नाम, दुर्दशा में फंस गए, किसका यह परिणाम। अपना ही यह है किया, अपना ही यह दोष, कई बार ठोकर लगी, आई ना फिर भी होश। अब चलो हम देख लें आगे का कुछ हाल, विस्मरण हमें तो है भया, हम जब भये बेहाल। प्रत्येक पत्र के अंत में लिखना होता था और विद्यार्थियों को भी यही सिखलाया जाता था, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अर्थ, श्रीमन मेरी विनय है कि मैं अपना नाम आपका सर्वश्रेष्ठ आज्ञाकारी दास सदा बना रहूं। भारत में 1750 एडी से लेकर 1947 तक इंग्लैंड से 33 वायसराय आए, सभी ने यहाँ की जनता के प्रति जो कुछ किया वह यह था, एक भारत से धन खींच कर ले जाना और भारतीयों को दरिद्र बनाना, दो ईसाई धर्म का प्रचार अर्थात हिंदुओं को ईसाई बनाना, अपनी भाषा अंग्रेजी को भारतीयों पर थोपना, भारतीयों में दासता वृत्ति उत्पन्न करना और उन्हें अपने समान मनुष्य ना समझना, युद्ध में भारतीयों को गोलियों का शिकार बनने के लिए आगे भेजना, ऐसे कानून बनाना जिससे अंग्रेजी शासन सदैव बना रहे,
भारतीय उद्योगों को समाप्त कर अपना माल ही भारत में चलाना। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरु देव जी की जय, शरणम।